जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम साय हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद यह हाई लेवल मीटिंग होगी। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा होगी। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है और उसके ठीक बाद नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा होगी। कैबिनेट की बैठक में मोदी की गारंटी पर मुहर लग सकती है, कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो आज शाम कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट की बैठक के बाद ठीक बाद एक हाई लेवल मीटिंग नक्सल विरोधी अभियान को लेकर। सीएम साय ये हाई लेवल मीटिंग लेंगे। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, कैबिनेट की बैठक और उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग, दोनों के बारे में जानकारी दें जरा। जी बिल्कुल, देखिए मंत्रालय में शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें तमाम मंत्री मौजूद होंगे। कैबिनेट बैठक में जाहिर सी बात है मोदी की गारंटी पर फैसला हो सकता है। 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर का वादा किया था वो मामले, महतारी वंदन योजना, इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बजट को लेकर चर्चा होगी। इसकी तुरंत बाद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। नक्सल विरोधी, जिस तरीके से नक्सली वो चल रहा है, घटनाएं हुई हैं, जवान मारे गए हैं, घायल हुए, उसको लेके ही तुरंत बैठक बुलाई हुई है। हाई लेवल मीटिंग है, इस पर चर्चा होगी किस तरीके से रणनीति बनाया जाए, नक्सलियों की गतिविधियों को कम किया जाए, खात्मा किया जाए, इस पर बैठक होगी। तमाम अधिकारियों को बुलाए गए हैं और इसकी समीक्षा भी की जाएगी कि किस तरीके से बस्तर में ऑपरेशन जो चल रहा है कि कारगर साबित हो, कम से कम घटनाएं हो, ये घटनाओं को रोका जा सके, तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है जिसको लेकर बैठक है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी करने जा रही है संगठन का विस्तार। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। किरण सिंह देव ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। पवन साहू को बालोद की जिम्मेदारी, प्रकाश बैस को धमतरी की जिम्मेदारी, रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्याम नारंग, महेश वर्मा को भिलाई का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जल्द प्रदेश में महामंत्रियों की नियुक्ति होगी। संगठन की जिम्मेदारियां तय, प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और महामंत्रियों की नियुक्ति जल्द होगी। इधर रायपुर में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें कांग्रेस पार्टी समेत अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं के भाजपा में प्रवेश पर मंथन किया गया। बीजेपी नेता विमल चोपड़ा ने यह बताया है कि जो भाजपा के सिद्धांतों से सहमत है और भाजपा में प्रवेश करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, उन्हें लेकर प्रदेश और जिला स्तर पर एक प्रवेश समिति बना दी गई है। उधर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रवेश समिति पर तंज कसा और कहा, पहली बात तो यह कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जाना नहीं चाहता, जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजनीति है और राजनीति में अपने कुंबे को बढ़ाने का काम हर पार्टी करती है और हम ऐसे लोग को लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों से सहमत हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस भी यदि हमारी नीति और सिद्धांतों से सहमत है और भाजपा में आना चाहती तो हमको कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसे कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेता संपर्क में हैं, लोकसभा से पहले ऐसा प्रवेश हो सकता है? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता और दूसरी पार्टियों के नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र प्रवेश करेंगे। सक्ती जिले के छोटे सीपत गांव में एक चंगाई सभा में अंधविश्वास के चलते अमेराडीह गांव के संतराम सुधार की मौत हो गई। चंगाई सभा में किडनी फेल मरीज की बीमारी दूर भगाने के लिए ईसाई मिशनरी का फॉर्मूला फेल साबित हुआ। दरअसल अमेराडीह गांव के संतराम सुधार को बीमारी दूर करने के लिए चंगाई सभा में बुलाया गया, जहां उद्धार महोत्सव में उसकी मौत हो गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं इस मामले पर संयोगिता जूदेव ने कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। के द्वारा पता पड़ा कि छोटे सीपत में चंगाई सभा आयोजित की गई थी और जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है, तो अगर ऐसा हुआ है तो इस पे शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान अगर चंगाई सभा में जा रही है, सबसे पहले तो ये चंगाई सभा आयोजित हो रही है, इसमें कोई रोक टोक क्यों नहीं हो रही है। कैलाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, क्या कुछ एक्शन लिया गया चंगाई सभा में युवक की मौत पर? जी, अभी तक किसी तरह के एक्शन नहीं लिया गया है और बीजेपी के जो महिला
संयुक्ता सिंह हैं, इस पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथ में आसपास के क्षेत्र में इस तरह की चंगाई सभा को लेकर आक्रोश है और वो किडनी फेल पेशेंट को बहला फुसला कर झाड़ फूक के बहाने प्रार्थना कराए जा रहे थे, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पर उसकी पत्नी का कहना है कि यह इलाज चल रहा था और इसी बीच इनकी मौत हुई है और चंगाई सभा में उसके लिए दुआ मांगा जा रहा था। जी कैलाश, जानकारी ये भी है कि किडनी फेल थी इस युवक की, अस्पताल के जगह ये चंगाई सभा में पहुंच गया। जी यही एक अंधविश्वास को लेकर लगातार चर्चा पे है क्षेत्र में। मौत होने के बाद क्योंकि अस्पताल में जाना था, किडनी के मरीज थे वो, और इस दौरान वो चंगाई सभा में जाके एक चमत्कार की उम्मीद कर वहाँ इलाज के लिए प्रार्थना करा रहे थे, लेकिन वहीं पे उसकी मौत हो गई। ये बहुत बड़ी अंधविश्वास को बढ़ावा है इस तरह के, उसको अस्पताल जाने के बजाय वह चंगाई सभा में शामिल होना ज्यादा मुनासिब समझा और इसी के दौरान वह अपने हाथ से जान धो बैठा। चलिए धन्यवाद आपका कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कोयला घोटाले के आरोपों से घिरे छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। सुबह से छापे की कार्रवाई जारी है। इतना ही नहीं, अमरजीत भगत के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी आईटी की टीम पहुंची हुई है। रायपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, इन तमाम जगहों पर आईटी की टीम पहुंची है। तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी की दबिश जारी है। रायपुर और अंबिकापुर में अमरजीत भगत के निवास पर टीम ने दबिश दी। पूर्व मंत्री के करीबियों के ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम ये कार्रवाई कर रही है। रायपुर अंबिकापुर में कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम दबिश दी है। फिर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और आईटी की टीम ने पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कई ठिकानों पर जो है वो दबिश दी है। राजधानी रायपुर समेत कई जगहों पर सुबह से ही आईटी की छापेमार कार्रवाई जो है वो जारी है और इस वक्त मैं अमरजीत भगत के राजधानी रायपुर के विधायक कॉलोनी स्थित निवास के बाहर ही हूँ। इसके अलावा अंबिकापुर के निवास पर भी जो है आईटी की रेड पड़ी है और तड़के सुबह 7 बजे आईटी की टीम अमरजीत भगत के निवास जो है वो पहुंची है और अंदर जो है दस्तावेज खंगालने के साथ साथ जांच का जो है वो शुरू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीम अमरजीत भगत के घर पहुंची है और सुबह 7 बजे से दस्तावेज खंगालने का जो काम है वो शुरू हो गया है। इसके साथ ही अमरजीत भगत के निवास के स्टाफों से भी आईटी की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा राजधानी रायपुर समेत कई जिलों पर आईटी की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है और कई बिल्डर्स और कारोबारियों के घर पर सुबह से ही आईटी की टीम ने जो है छापेमार कार्रवाई की है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। इधर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई के बाद अमरजीत भगत ने मीडिया के सामने बयान दिया। पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभी आने वाले दिनों में राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ में दौरा है, उसमें रुकावट डालने के लिए प्लानिंग के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। परेशान कर रहे हैं सर, अरे ऊपर करो ऊपर। मेरा नाम आ गया है, ये जीतने वाले कैंडिडेट पहले विधानसभा में दिया गया। राहुल गांधी जी का दौरा है, राहुल गांधी का दौरा है, उसका संयोजन बनाए गए हैं, इसलिए भी उनका प्रोग्राम को फेल करने का है ना। इधर बलरामपुर में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के निजी सहायक राजेश वर्मा के घर भी दबिश दी गई है। आईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। राजपुर में घर पर छापा मारा गया। 4 गाड़ियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहां पहुंची है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। रायगढ़ में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचा हुआ है। अतुल शेटे के रायगढ़ स्थित निवास पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ओएसडी रहे हैं अतुल शेटे। सुबह से ही आईटी के अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। रायगढ़ में अतुल के आवास पर सर्चिंग की जा रही है। इधर दुर्ग में भी आईटी की टीम पहुंची हुई है बिल्डर अजय चौहान के यहां। भिलाई के रामनगर स्थित निवास में यह टीम पहुंची है। आईटी के 6 अधिकारियों के पहुंचने की खबर है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बिल्डर अजय चौहान के घर दबिश।
महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिंह ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। विधायक ने कहा कि 2018 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए, अब सरकार धर्मांतरण के खिलाफ जल्द कानून लेकर आने वाली है। कांग्रेस नेता भगत के ठिकानों पर आईटी के छापे पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ मौजूद है महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी। योगेश्वर राजू सिन्हा जी, धर्मांतरण के मुद्दे लगातार छत्तीसगढ़ में उठते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए? क्योंकि भाजपा चुनाव के दौरान भी काफी धर्मांतरण का मुद्दा उठाई, अभी भी धर्मांतरण होने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से अभी जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है और पहले जो हुआ है 2018 से 2023 के बीच में जितने भी धर्मांतरण हुए हैं उसमें भी हम कार्रवाई करने के लिए कदम आगे उठा चुके हैं और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जितने भी हो चुका है उसमें भी और कार्रवाई करेंगे, उसमें जांच करेंगे और इसका कानून भी लेके आने वाले हैं हम। जी बिल्कुल, अभी कुछ कांग्रेसी और कारोबारियों पर आईटी के छापे पड़े हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखो, शासन प्रशासन इसमें काम कर रही है। ईडी अगर छापा मार रही तो कांग्रेसियों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास है काला धन है तो ईडी उसको छापा मार रहा है, आईटी उसको मार रहे, इनकम टैक्स वाले मार रहे हैं। ये थे महासमुंद के विधायक, जिन्होंने कहा धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने कहा कि नियम कानून लाना चाहिए, सरकार इस पर विचार कर रही है। वहीं छापे और कार्रवाई को लेकर भी कहा है कि जो भ्रष्टाचारी है उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अपने क्षेत्र के कई मुद्दे भी इस विधानसभा जो सत्र होने वाला है उसमें उठाने वाले हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी के छापों पर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि ईडी, आईटी, सीबीआई बीजेपी के टूल के रूप में काम कर रही हैं। जहां भी बीजेपी की विचारधारा की सरकारें नहीं है वहां जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टूल के रूप में ईडी, आईटी, सीबीआई इन तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में अब ये उनके संगठन में भी अनऑथराइज तरीके से शामिल हो गया, क्योंकि इस प्रकार से दिल्ली, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकारें नहीं हैं, जो उनकी विचारधारा को मानने वाले नेता जहाँ नहीं है वहाँ इस प्रकार की कार्यवाही को जानबूझकर हर राजनीतिक दल के व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत संबंध भी होता है, व्यापारी से भी होता है, उद्योगपति से भी होता है, सोशल सर्विस करने वाले लोगों से भी होता है, लेकिन जिस प्रकार से अब नेताओं के साथ उनके व्यापारी दोस्तों को भी परेशान करने का प्रयास कर